हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संकेत और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं मेरे कवर्स कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो पूरा प्रोसीजर तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बट द बेसिक्स, जो मैं क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ और प्रोसीजर क्या है, बेसिक प्रोसीजर क्या है गिटार हमारे पीसी में रिकॉर्ड करने की, ठीक है। तो उसके लिए आपको तीन एक दो तीन चार चार नहीं पाँच चीज़ें लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है एक गिटार जिसमें पिकअप है, ठीक है। अभी पिकअप क्या होता है, पिकअप इज़ बेसिकली एक इनपुट रहता है, आउटपुट रहता है जो स्पीकर को कनेक्ट होता है। मतलब अगर आपका गिटार एम्पलीफायर को कनेक्ट होता है तो आपके इसमें पिकअप है, ओके। पहली चीज़ पिकअप, दूसरी चीज़ लीड वायर जिससे आप आपका गिटार एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हो, ठीक है, वो दूसरी चीज़। थर्ड चीज़ है ऑडियो इंटरफेस, ठीक है, उसकी बात हम करते हैं, साउंड कार्ड भी बोलते हैं हम लोग उसे, उसको देखते हैं हम थोड़ी देर में, ठीक है। थर्ड चीज़ साउंड कार्ड। फोर्थ चीज़ डॉ। अभी डॉ क्या रहता है, डॉ इज़ बेसिकली डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो डॉ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आपके जो गिटार रिकॉर्ड कर रहे हो, आप जो रॉ रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। बट आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें एक लेयर जो है आपने प्ले किया हुआ, ठीक है, वो स्टोर चाहिए और उसके ऊपर आप दूसरी लेयर बना रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक डॉ लगेगा, आप कोई भी डॉ यूज़ कर सकते हो। मैं एबल्टन यूज़ करता हूँ, ठीक है, पहले FL Studio यूज़ करता था बट अभी Ableton पे शिफ्ट हो गया, काफ़ी महीने हो गया, आधा साल हो गया शायद से। तो कोई भी डॉ यूज़ कर सकते हो आप, FL Studio, Ableton, Cubase, Pro Tools, Audacity तक यूज़ कर सकते हो आप, Logic Pro अगर आप Mac यूज़ करते हो, सबका प्रोसीजर सेम है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो जाएंगे, टेक्निकल चेंजेस। और पांचवी चीज़ है कि आपको गिटार बजाना आना चाहिए, ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पांच चीज़ें अगर आपके पास है फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले ऑडियो इंटरफेस देख लेते हैं हमारा। तो ये चीज़ के लिए मैं एकदम नॉर्मल वाला ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ और वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। तो चलिए ऑडियो इंटरफेस देखते हैं। तो गाइस, ये वीडियो के लिए मैं बेरिंगर का UM2 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द चीपेस्ट ऑडियो इंटरफेस यू कैन फाइंड इन द मार्केट। तो अगर मुझे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स में लिख के आए कि तू भाई महंगे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है इसलिए तेरा साउंड अच्छा आ रहा है। तो आप ये यूज़ करके भी बहुत ब्यूटीफुल साउंड ला सकते हो। तो ये सबसे सस्ता है मार्केट में, इट कॉस्ट अराउंड 5000 भी नहीं, 4900-800 का कुछ तो भी आता है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, जो मैंने बोला लीड वायर, वो हम इसको इनपुट दे रहे, ठीक है। और वो इनपुट कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा गिटार से, ये देखिए ये पिकअप को लगा है, ठीक है। तो ये इनपुट आ रहा है और ये जो मेरा साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड वो हमारा डॉ को कनेक्टेड है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा सेटअप है। और ये सेटअप यूज़ करके हम लोग अभी गिटार रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़, हम लोग हमारे डॉ में आ गए। तो ये Ableton 9 का इंटरफेस है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि जो हमारा बेरिंगर साउंड कार्ड है, तो हमको प्रिफरेंस में जाके देखना है कि ये देखिए, ये प्रिफरेंस में जाके देखना है कि ऑडियो डिवाइस में बेरिंगर आपका साउंड ड्राइवर ऑन है कि नहीं। अभी ये ड्राइवर आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन जाके डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि बेरिंगर USB ड्राइवर करके, ठीक है, आपको वो इंस्टॉल करना है और ये ऑन रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बट जो आप साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो वही ऑन रखने, उसके बिना आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी ये आप बोलोगे कि सिर्फ Ableton में ऐसा करना है, बट ये सारे डॉ का सेम है, सेम प्रोसीजर है। सब ऑप्शंस में, सब डॉ के ऑप्शंस में कहीं ना कहीं प्रिफरेंस हो गई, ठीक है, प्रिफरेंस होगा या फिर ऑडियो सेटिंग्स करके होगा। FL Studio में ऑडियो सेटिंग्स करके रहता है, बाकी डॉ में प्रिफरेंस रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, बट प्रिफरेंस में जाके कोई भी चीज़ में आपको ऑडियो डिवाइस ढूंढना है और वहाँ पे जो भी आपका साउंड कार्ड है वो ऑन करना है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू फॉर रिकॉर्डिंग। अभी इससे क्या हो रहा है कि आपका जो साउंड कार्ड है दैट इज़ नाउ रेडी टू बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग बेसिक एकदम एक मैं बताता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, ठीक है। मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ, गिटार हमने कनेक्ट कर लिया है हमारे इसको, अभी मैं गिटार हाथ में लेता हूँ और सिर्फ एक बेसिक लेयरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ गेन बढ़ा लिया, अभी मैंने गिटार ले लिया हाथ में,
ठीक है। अभी शायद आपको टेम्पो का आवाज़ नहीं आएगा, पता नहीं क्यों, मैंने जब ट्रायल ले रहा था तो टेम्पो का आवाज़ नहीं आ रहा था, तो आपको गिटार का आवाज़ आएगा बस। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसा ये सही आएगा, ठीक है। एक 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 हम लोग लेयरिंग देखते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसको बेसिक सी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन आई विल से कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स में सेम है एडिटिंग का सोर्स, बट प्लगइन्स अलग अलग रह सकती है, बट आप कोई भी डॉम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने पहले बात किया तो आपको टेम्पो का आवाज़ नहीं आएगा, बट बाकी गिटार का वगैरह आवाज़ आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, एक बेसिक पीछे का रिदम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगेन टेम्पो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेम्पो में रिकॉर्ड करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप टेम्पो में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका जो कवर है वो बहुत ऐसा बिखरा बिखरा लगेगा। हमें बिखरा नहीं करना है, वी हैव टू ग्लू इट टुगेदर, ठीक है। तो टेम्पो इज़ वेरी नेसेसरी, पहली बात। ओके, सेकेंड बात यह है कि डर डर के नहीं बजाना है। ओके, आई नो थोड़ा सा सिली लगता है सुनने में, बट अगर आप कॉन्शियसली बजाओगे तो बहुत आपकी गलती करने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो एक वही फर्स्ट पार्ट टेम्पो में यूज़ कीजिए, सेकेंड पार्ट खुल के बजाइए, जो गलत हुआ तो गलत हुआ, फिर से रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। नाउ द फर्स्ट रूल ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ कि हमें एक बैकग्राउंड चाहिए जिस पे हम लोग हमारा लीड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कभी भी फर्स्ट लीड रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, पहले हमेशा बैकग्राउंड रिकॉर्ड होगा। अब बैकग्राउंड क्या, एज इन बैकग्राउंड मतलब क्या, बैकग्राउंड मतलब अपने बहुत बाल बढ़ गए थे मेरे, हाँ, बैकग्राउंड मतलब कुछ भी रह सकता है, इट कैन बी रिदम, ठीक है, या फिर आप ड्रम्स बजा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से वो, ठीक है। तो हम लोग एक रिदम रिकॉर्ड करते हैं, स्ट्रमिंग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, यहाँ से छोटी छोटी गलतियाँ। फिर अच्छा लूप, तो हमने क्या किया, एक चार कॉर्ड का लूप भी बनाया, सी ए एफ डी एफ जी, एकदम बेसिक लूप। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक बार सुनते हैं एकदम बेसिक। ठीक है, ये बेसिक लूप है, वो दो बार चल रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ये आपको एक पता चल गया कि हमारे गाने के कॉर्ड्स ये हैं, हमने कॉर्ड्स रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग लीड रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी लीड बजाता हूँ अनशन अपने हिसाब से, ठीक है। अभी अगर आप कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हो तो पहले उसके कॉर्ड्स रिकॉर्ड करना और फिर उसके ऊपर लीड रिकॉर्ड करना, ठीक है। अभी मैं कुछ भी एकदम बेसिक सा कुछ तो भी बजाता हूँ ताकि मैं ये कर पाऊँ उस कुछ तो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऑन द स्केल ऑफ सी मेजर, ठीक है। अभी ये मैंने कुछ भी बजा दिया, वर्स्ट जो भी मैं मेरे दिमाग में आया वो बजा दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा अभी मैं गिटार रख देता हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भले आपके पास सिर्फ इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये भी बहुत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत कम हो गया, बट फॉर एग्जाम्पल कि आपने फॉर अ बिगिनर आपका पहला कवर में आपने सिर्फ स्ट्रमिंग रिकॉर्ड किया है, ठीक है, और लीड रिकॉर्ड किया, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि वॉट यू हैव टू डू इज इसको नेम दे देना है। जैसे मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रमिंग और इसको दे देता हूँ लीड, ठीक है। अभी नेम देने के एक मेन रीज़न ये है कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे जब आप मल्टी लेयर ट्रैकिंग करोगे। तो ये तो दो लेयर है, मैं मेरे कवर्स में 40-50 लेयर्स डालता हूँ, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद आप भूल जाते हो कि कौन सी लेयर कौन सी है, ठीक है। उसके लिए आपको नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहला रूल कि नेमिंग कर लीजिए रिकॉर्ड होने के बाद, या फिर एक एक लेयर जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे वैसे नेमिंग कर लीजिए आप, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं क्या करता हूँ, देर इज़ अ टर्म कॉल्ड स्टीरियो विद। विद मतलब क्या रहता है कि कितना कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी इसमें बड़ी है, ठीक है। अभी उसके लिए
विद जो है वो हमारी हमेशा बैकिंग ट्रैक की रहती है, ठीक है। तो बैकिंग ट्रैक यहाँ पे हमारा स्ट्रमिंग है, तो इसमें मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अभी आपको डिफरेंस सुनाता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रुकिए, मैं आपको इसको एक बारी, ठीक है, अभी देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मोनो है, ये एकदम बेसिक है, इसका कुछ भी नहीं है, जो हमने रिकॉर्ड किया वो है, ठीक है। एक बार सुनिए आप, हाँ अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया तो आप हेडफोन लगा लीजिए और फिर सुनिए, ठीक है, तभी आपको डिफरेंस समझेगा। आई होप, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने हेडफोन लगा लिया, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, एकदम बेसिक सा लग रहा है, बीच में है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने उसी चीज़ को डबल ट्रैक किया। अभी डबल ट्रैक क्या रहता है कि मैंने एक ही चीज़ को, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी रखा है, एक ही चीज़ को डबल कॉपी किया है और उसको मैंने पैन किया। अभी पैनिंग इज़ व्हाट, कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मैंने किया 50L और 50R, डैट मीन्स 50 लेफ्ट और 50 राइट, ठीक है, मेरा लाइट आपका लेफ्ट, ठीक है, जो भी है। तो इससे क्या होता है ना कि गाने का विड्थ बढ़ता है, कि आपका गाने का जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगा। अब प्रेजेंस क्या है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। ये मोनो एकदम बेसिक जो हमने रिकॉर्ड किया, कितना एकदम खाली खाली लग रहा है, ठीक है। अभी ये देखिए कितना बड़ा लग रहा है, ये मोनो, स्टीरियो, ठीक है। अभी इसको भी थोड़ा सा और ये करने के लिए मैं आपको और एक दिखाता हूँ, आप क्या कर सकते हो ना, कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये देखिए। अभी सुनिए, अभी आपको डिफरेंस समझ रहा है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक छोटी सी ट्रिक है ये, मैं आपके अभी एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, क्या है, अच्छे से सुनिए। ये दो जो लेयर्स है इसको बस थोड़ा सा आगे पीछे करना है आपको, अगर आप अच्छे से देख सक रहे हो तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, बट उससे कितना फर्क पड़ रहा है देखिए, एकदम जान आ गई ऐसे गाने में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी उसके ऊपर हम लोग लीड प्ले करते हैं हमारा जो हमने ये किया था, ठीक है। उसको ही कंपैरिजन में हम लोग इस पे लीड प्ले करते हैं, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल, बहुत खाली खाली लग रहा है गाना, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्टीरियो विद बढ़ाया उसका, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमने स्टीरियो विद बना लिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप इज बैलेंसिंग, मिक्स कर रहे हैं हम लोग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग या फिर ग्लू कर रहे हैं हम लोग। अभी ये तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, दैट इज टू मेक श्योर कि सारी लेयर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है, कोई लेयर किसी से ज़्यादा साउंड नहीं कर रही है, कोई लेयर किसी से कम साउंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब हमें अच्छे से सुनाई दे रहा है कि हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया उसका, मैं और कम करता हूँ, ठीक है। अभी दिस इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव, अभी आपने क्या रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से आपका रहेगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम कम कर लिया, हम लोग अभी सुनते हैं। ठीक है, अभी हमारा वॉल्यूम ये थोड़ा सा ये हो गया, बैलेंस लग रहा है अभी हमारा। ये देखिए फिर से हम लोग ये करते हैं, मेन पर्पज़ है आपका जो लीड है दैट शुड बी इन सेंटर, वो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो लीड है आपका, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड हमेशा थोड़ा सा कम चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर लीड। तो ये एक बार मिक्स कर लिया आपने, तो दूसरी चीज़ विच कैन मेक योर लीड क्वाइट गुड और क्वाइट बिग इज रिवर्ब, ठीक है। रिवर्ब को हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट रिवर्ब एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने सिर्फ रिवर्ब भी डाल दिया कुछ कुछ गानों में तो इट एनहांसेस द ब्यूटी, ओके, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कर देता है उसको ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिवर्ब कैसा है ना, कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस आपको बताता हूँ मैं कि रिवर्ब डालने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो मेरा फेवरेट रिवर्ब वालहाला, इसको हम लोग ये करते हैं, सॉरी ये चालू नहीं किया मैंने,
समझा आपको डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड। तो ये मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मेरा सीपीयू पावर बहुत खा रहा है। है ना, ये डालने के बाद भी आपको ब्लेंड करना होगा उसको। अभी देखिए विथ रिवर्ब विदाउट रिवर्ब कितना खाली रख रहा है, विदाउट रिवर्ब विथ रिवर्ब, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक चीज आपको ब्लेंड करना है, दूसरी चीज आपको रिवर्ब डालना है, तीसरी चीज एक है कि आपको ईक्यू करना है। अभी ईक्यू ये वीडियो में मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आपने किया कि ब्लेंड कर रहे हो और आप लीड में रिवर्ब डाल रहे हो, ठीक है। बट रिवर्ब भी बहुत नहीं डालना है, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग या फिर जितना अच्छा लग रहा है उतना ही डालना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जैसे जिससे मैं मेरे कवर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी फैंसी नहीं है, यही चीज़ें ये अब मैंने भले दो इसमें किया है बट यही चीज़ें मैं मेरे 50 ट्रैक होंगे तो यही चीज़ें करता हूँ, दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा करता हूँ, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ गया होगा कि ये क्या प्रोसेस है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर आपको ये वीडियो के बारे में कोई डाउट होगा तो मुझे वो भी बताइए, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।